अमेरिका ब्रिटेन की मंजूरी के बाद यूक्रेन इन दिनों रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले कर रहा है। हमले में 500 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे जाने की खबर है। हमले में एक रूसी जनरल समेत 18 सैन्य अधिकारियों की भी मौत हुई है। हालांकि रूस ने किसी भी नुकसान की पुष्टि नहीं की है। बता दें कि पूर्व में ये जानकारी सामने आई थी कि यूक्रेनी स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने एक रूसी कमांड पोस्ट और एक मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया है। उस समय बताया गया था कि इस हमले में रूसी सेना को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने नुकसान की पुष्टि नहीं की है, जिसे रूस और उत्तर कोरिया दोनों के लिए गंभीर बताया जा रहा है। बता दें कि स्टॉर्म शैडो को कुर्स्क क्षेत्र में एक जारिस्ट स्टेट पर मैरिनो में एक भूमिगत सैन्य सुविधा पर निशाना बनाया गया था। नए फुटेज में हमले में शामिल स्टॉर्म शैडो मिसाइल को दिखाया गया है, जो अपने लक्ष्य की ओर उड़ रही थी। हालांकि रूस की चुप्पी होने और किसी स्वतंत्र सूत्र से पुष्टि न होने के कारण यूक्रेन के इस दावे पर संदेह भी जताया जा रहा है। हालांकि हमला जिस इलाके में हुआ है, उस क्षेत्र में 10,000 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस भारी नुकसान के कारण ही यूक्रेन पर एक नई मिसाइल से हमला बोला था। रूस ने इसी स्टॉर्म शैडो मिसाइल के हमले के बाद यूक्रेन के नीपर पर एक नई ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी। इसके बाद पुतिन ने सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि उनके पास एक नया सुपर हथियार है, जिसे पश्चिम रोक नहीं सकता। मॉस्को ने यह भी धमकी दी कि यूक्रेन द्वारा नाटो द्वारा आपूर्ति की गई मिसाइलों का उपयोग करने का मतलब है कि पुतिन वैध रूप से परमाणु मिसाइलों से जवाबी हमला कर सकते हैं। कथित तौर पर मारे गए रूसी अधिकारी पुतिन के दक्षिणी और पूर्वी सैन्य जिलों से हैं। अमेरिका स्थित ग्लोबल डिफेंस कॉर्प ने बताया कि रूसी अधिकारियों के साथ साथ 500 उत्तर कोरियाई सैनिक भी मारे गए। हालांकि इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। माना जाता है कि लगभग 10,000 से अधिक उत्तर कोरियाई लोगों को उनके नेता किम जोंग उन द्वारा पुतिन की सेवा करने के आदेश के बाद साइबेरिया से युद्ध क्षेत्र में ले जाया गया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।